जबलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन के द्वारा गुरुवार को मॉडल हाईस्कूल में मतदान दलों के चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उसी दौरान अचानक एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गया। जहां कर्मचारी की हालत देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। कर्मचारी को तत्काल आनन-फानन में जिला अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा कर्मचारी को प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि कर्मचारी शिवशंकर सोनी का बीपी अचानक बढ़ गया था, जिससे उन्हें घबराहट होने लगी। वहीं शिवशंकर सोनी पहले से टीवी की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका इलाज चल रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद कर्मचारी की हालत में सुधार आया है। गौरतलब है कि पूर्व चुनावी प्रशिक्षण के दौरान भी पीएसएम कॉलेज में एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी थी और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के ऊपर भी आगामी चुनाव को लेकर काफी दबाव देखा जा रहा है। में 10 नवंबर में प्रशिक्षण चल रहा था प्रथम सत्र का, उसमें शिवशंकर सोनी जी हैं सीएम राइज मंझौली के में पदस्थ हैं। उनको एकदम से कमजोरी लगी, चक्कर आया। इनका पूर्व से उनको टीबी है, टीबी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर डाबर के यहाँ भी इनका इलाज चल रहा है। तो जैसे ही चक्कर आने की खबर प्राप्त हुई, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाकर ओपीडी में चेक कराया गया। उनका बीपी और पल्स सब नॉर्मल थे, क्योंकि टीवी के मरीज हैं, इसीलिए टीवी सेक्शन में इनको यहाँ पर डॉक्टर के पास राइट नहीं। हमको जिस बीमारी से जो तकलीफ होती है उसका बयान करना बहुत कठिन है, समझे। दवाई खा रहे हैं और कुछ, परंतु जो तकलीफ होती है खड़े होने में, बैठने में।